एक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में SIT हरिद्वार द्वारा एक अभियुक्त सोनू को छुटमलपुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही रिजॉर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का भी संकलन किया। इसमें CCTV रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी शामिल है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह संजीव दुबे का मौसेरा भाई है, जिसके कहने पर उसने रिजॉर्ट में रुकी अभ्यर्थियों की निगरानी की थी और इस काम के उसे 10,000 रुपए भी दिए गए थे। SIT हरिद्वार ने जेल भेजे गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही भी की है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जो है SIT का गठन मेरे द्वारा यहाँ पर टीम द्वारा किया गया था, जिसका परीक्षण मेरे द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है। चूंकि लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है, वो हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी जल्दी संकलित करना है, और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है, साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके, जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग STF द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार SIT ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है SIT द्वारा, और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी वहाँ पर गए थे रात्रि में, वहाँ पहुँचे थे जो रिजॉर्ट था बिहारीगढ़ में, वहाँ की DVR फुटेज और सभी चीज़ हमने हासिल कर ली, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इससे विवेचना में आगे हमें ये मदद मिलेगी कि अन्य कोई जो अभी 7 लोग गिरफ्तार हुए थे पहले, उनके अलावा भी कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं था जो बच गया हो, तो उससे उन सारे साक्ष्यों का अवलोकन हमारी टीम जो है SIT टीम लगातार कर रही है, और इन 7 अभियुक्तों को जो पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे आज उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जिससे कि इसमें आगे की कार्रवाई भी हमारी अच्छे से हो पाए। और इसमें आज हमारी SIT टीम ने जो है लोक सेवा आयोग में भी गए वहाँ पर, और वहाँ के अधिकारीगण से भी वहाँ मुलाकात करी है, वहाँ से भी काफ़ी सारी जानकारी हमने एकत्र करी है जो हमारी विवेचना का पार्ट रहेगी। मेन बिंदु हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी हम ऐसे कोई भी षड्यंत्रकारी, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इस परीक्षा लीक में या कहीं प्रश्न पत्रों की हेर फेर में कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो आयोग के अंदर हो चाहे कहीं बाहर हो, उसको तत्काल ट्रेस आउट करना है और उन पर कार्रवाई करनी है, जिससे आगामी जो परीक्षाएँ हैं वो आसानी से हो सके और उसमें कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह ना लग सके। 8 लोग गिरफ्तारी हुई, हाँ टोटल अब 8 लोग की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट जो है सुबह आज जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ पाए हैं जो, देखिए मैंने अभी अभी बताया कि चूंकि विवेचना आगे इसमें बढ़ा दी गई, साक्ष्य इसमें हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक साक्ष्यों को कर लिया गया जिसका अवलोकन किया जा रहा है, और इसमें हमने अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर लिया है, और जो अभी जो 31 की मैं आपको संख्या बता रहा हूँ सभी को हमने चिन्हित कर लिया नामों से, और उससे और ये अति शीघ्र इसमें ऐसा है कि जितने भी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे ये भी उनको भी एक एक करके जो है इसमें SIT द्वारा खोजा जाएगा, जिससे कि उनके आगे के और लिंकेजेस हैं और किस माध्यम से वो जुड़े थे सभी कुछ स्पष्ट हो जाए, और कोशिश रहेगी कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी इसमें पूरी कार्रवाई को पूर्ण किया जाए।